वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी टूल जो ओपन सोर्स है और उसको आप स्मॉल कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है अगर आप अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डिवाइसेस डिप्लॉय नहीं है तो वो कैसे, मतलब डेटा ब्रीच हो सकता है या कुछ रैंसमवेयर अटैक हो सकता है या कोई भी साइबर अटैक हो सकता है आपके नेटवर्क में। अगर आपका कंपनी स्मॉल है तो उसके लिए बजट भी आपके पास रहता नहीं है, तो वो बजट लिमिटेशन की वजह से आप ये ओपन सोर्स टूल यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है और ये ओपन सोर्स कम्युनिटी द्वारा डेवलप होता है। और आपको मतलब अगर आपका कोई पर्सन हायर किया है और उसके थ्रू आप डिप्लॉय करवा सकते हो आपके नेटवर्क में। इसका मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, जस्ट आप मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल कौन से टूल है और कौन से आप यूज़ कर सकते हो आपके नेटवर्क में। पहले बात करते हैं हम फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है और सॉफ्टवेयर है जो मॉनिटर करता है आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरनेट डिप्लॉय किया है आपके ऑफिस में राउटर के थ्रू, बट अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि कौन सा ट्रैफिक ऑफिस से बाहर जाना चाहिए और मीन्स आप कह सकते हो लैन टू वैन और वैन टू लैन, इन वैसे आप नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हो, लाइक कौन सा ट्रैफिक आपको अलाउ करना है और कौन सा रिस्ट्रिक्ट करना है और कोई भी अटैक हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे तो वो भी आप स्टॉप कर सकते हो एट लेयर 3 एंड लेयर 4। तो फायरवॉल के रिलेटेड मैं प्रिफर करूँगा पीएफ सेंस और ओपन सेंस, आईपी फायर और आईपी टेबल्स है, बट आप इजीली पीएफ सेंस डिप्लॉय कर सकते हो। ये वर्चुअल अप्लायंस में भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसा सर्वर है और सिस्टम है जिसमें मल्टीपल इथरनेट पोर्ट है तो जस्ट आप उसमें कॉन्फ़िगर करके लैन वैन कॉन्फ़िगर करके भी आप डिप्लॉय कर सकते हो इजीली और ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सेम एज पर द ओपन सोर्स फायरवॉल है ओपन सेंस, जिसमें आप मल्टीपल वे से आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिस्ट्रिक्ट करना है आईपी वाइज, यूज़र वाइज और वेबसाइट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। एडिशनल है आईपी फायर, ओपन सोर्स फायरवॉल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड एक आईपी टेबल है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको जाना है तो आप ओपन सेंस या पीएफ सेंस में जा सकते हो, बट एडिशनल आप ये आईपी फायरवॉल और आईपी टेबल भी चेक कर सकते हो इन फायरवॉल में। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको कुछ मलेशियस मालवेयर्स और सस्पिशियस एक्टिविटी रिलेटेड टू द फाइल चेंजेस। और फॉर एग्जांपल, कोई कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है जो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है या आपको आप पे वॉच कर रहा है, मतलब स्पाईवेयर, या फिर आपका जो कुछ भी टाइप कर रहे हो कि लॉगर टाइप का अटैक कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीवायरस में आप यूज़ कर सकते हैं क्लैम एवी और एक क्लैम विन है। क्लैम एवी भी आप को लिनक्स विंडोज़ सब में मिल जाएगा, लिनक्स विंडोज़ मैक सोर्स, और ये जनरली अप टू डेट मिल जनरली दे ये कम्युनिटी है वो अप टू डेट भी डेटाबेस अपडेट करती रहती है, सिग्नेचर डेटाबेस। और नेक्स्ट है क्लेम विन, वो भी आपको या वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप क्लेम ए भी एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो या कोई आप इवन पेड एंटीवायरस भी ले सकते हो, जो क्योंकि एंटीवायरस की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं रहती कंपेयर टू अदर सिक्योरिटी प्रोडक्ट।
नेक्स्ट है आईपीएस एंड आईडीएस एंड आईपीएस। सो इंट्रूजन डिटेक्शन, सो एक आईडीएस क्या करेगा, जो आपके नेटवर्क का ट्रैफिक रहेगा उसको मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा साइन ऑफ पॉसिबल इंट्रूजन सच एज एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट और कुछ इंसिडेंट रिलेटेड टू द नेटवर्क थ्रेट, और इंट्रूजन प्रिवेंशन उसको प्रिवेंट करेगा कि कुछ नेटवर्क रिलेटेड सस्पिशियस इंसिडेंट डिटेक्ट हो रहे हैं और कुछ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं और टर्मिनेट हो रहे हैं उसके बिहाफ पर, और आइडेंटिफाई करता है कि ट्रैफिक पैटर्न कैसा है। उसमें आप ओसैक यूज़ कर सकते हो, सूर्यकाटा यूज़ कर सकते हो, स्नोट, ये तीन में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ओसेक आप इवन सर्वर में भी डिप्लॉय कर सकते हो कि आपके होस्ट बेस्ड आईडीएस आईपीएस ऐसे यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो ओसेक का, सूर्यकाटा। ये बहुत सारे वेंडर भी ये सूर्यकाटा का एज आईपीएस एंड आईडीएस पैकेज यूज़ करते हैं अपने फायरवॉल में। स्नॉट भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एसेट मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कितने सिस्टम परचेज किए हुए, कितने सॉफ्टवेयर परचेज किए हुए, कितने लाइसेंस है, कितने हार्डवेयर एसेट है, कितने क्लाउड रिसोर्स है, और उसके बेस मतलब बिहाफ ऑफ आप ट्रैकिंग रख सकते हो कि और मेंटेन भी कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने टेक्नोलॉजी एसेट है जो हमें मेंटेन करने चाहिए, लाइसेंस अब रिन्यूअल करने चाहिए और हार्डवेयर अपग्रेड करने चाहिए डे टू डे बेसिस, ईयरली बेसिस और एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट। उसमें एसेट मैनेजमेंट के लिए लैंड स्वीपर है, सीड है, एड है, पिस सेलर है, अनस्नैप आईटीएफ है। लैंड स्वीपर हाँ आई थिंक 100 एसेट तक फ्री रहता है कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एसेट है तो ये आपको फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें जस्ट आपको स्कैन करना है। इसके लिए कोई एजेंट कोई सिस्टम में डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। आईटी एसेट मैनेजमेंट मैनेज ऑल योर आईटी एसेट डायरेक्टली विद इन सर्विस डेस्क। ये PRTG नेटवर्क मॉनिटर का ही पार्ट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के आईटी रिलेटेड एसेट मॉनिटर करता है। स्नेप आईटीएफ भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है सिम सिक्योरिटी। सो सिम इन द सेंस सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो सिम सिक्योरिटी का बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिटेक्ट एनालाइज और रिस्पॉन्स करेगा ऑन द स्पॉट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट कि आपके बिजनेस को इम्पेक्ट ना हो। इसमें सॉक टीम रहती है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैफिक को, और कुछ डिटेक्ट होता है और तो वो कंसर्न टीम को एनालाइज करने के लिए फॉरवर्ड करती है और उसके बिहाफ रिस्पॉन्ड करके जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्ट हुआ है उसको आप स्टॉप कर सकते हो। इसमें ओपन सोर्स में है, सिम मॉन्स्टर है, स्प्लंक भी कुछ डेज के लिए फ्री ट्रायल देता है, ईएल की है, इलास्टिक सर्च इंजिन एंड सागन भी है। सिम मॉन्स्टर काफ़ी वेल नोन है एज अ ओपन सोर्स, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आपके पास बजट है तो आप स्प्लंक के लिए भी जा सकते हो। सिम में ऐसा बोल सकते हो कि आप
टॉप वेंडर है ये स्प्लंक। एक इलास्टिक सर्च के अबाना और लॉकस्टेस में सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और ये आर्टिकल भी आपको लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सागन ये भी एक ओपन सोर्स लॉग है, रियल टाइम लॉग एनालिसिस टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या रहता है कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इज एक्ट ऑफ कीपिंग अनऑथोराइज यूजर एंड डिवाइस आउट ऑफ द प्राइवेट नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कोई आया विजिट के लिए और उसने आपके नेटवर्क में प्लग इन कर दिया और कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी किया या कुछ अटैक किया, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको नेट एक्सेस कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, यूज़र को अनऑथोराइज रखेगा और उसका जो डिवाइस है उसको आपका जो ऑफिस नेटवर्क रहेगा प्राइवेट नेटवर्क उसके वो डिवाइस को आउट ऑफ योर प्राइवेट नेटवर्क रखेगा। उसके लिए दो ओपन सोर्स है, एक पैकेट फेंस है, इज़ फुली सपोर्टेड एंड ट्रस्टेड फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सॉल्यूशन जो ब्रिंग योर डिवाइस BOD कैपेबिलिटी भी रखता है। और है ओके नेक्स्ट हम बात करने वाले वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। हमने पहले बात किया नेटवर्क फायरवॉल की, अभी बात करने वाले हैं और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेटवर्क फायरवॉल है Layer 3 एंड Layer 4 को प्रोटेक्ट करेगा और वेब है वो Layer 7 को। फॉर एग्जांपल कोई वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर पे अटैक होता है, लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है या SQL इंजेक्शन है या OS/Top 10 में से कोई भी अटैक है जो वर्नरेबल है और वो यूज़र वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर को अटैक करना चाहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वेब यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। उसमें मैं प्रिफर करूँगा मोड सिक्योरिटी, जो आप कोई भी एक लिनक्स सर्वर में डिप्लॉय करके आप आपके वेब सर्वर और ऐप सर्वर के पहले डिप्लॉय करके आप यूज़ कर सकते हो। और एक है वेबनाइट, ऑक्टोपस वेब है, कोरजा है और एक था दिस वन मोड सिक्योरिटी ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। वेबनाइट जो प्रोटेक्ट करेगा SQL XSS CSRF जो OS के टॉप 10 अटैक है उसके अगेंस्ट। ऑक्टोपस वेब भी है, कोरजा ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रेडी टू प्रोटेक्ट योर बिलव्ड एप्लीकेशन। और एक है नक्स, नक्सी का जी काफ़ी अजीब सा नाम है, जो प्रोटेक्ट करेगा NGX को एंटी एक्सेस और SQL इंजेक्शंस के अगेंस्ट। नाउ बात करते हैं वर्नेबिलिटी स्कैन। सो वर्नेबिलिटी स्कैन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपके नेटवर्क में रहे डिवाइस और सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें वीकनेस क्या है और वो उसको वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम आप कह सकते हो कि आप क्वार्टरली बेसिस आप स्कैनिंग करते हो और कुछ
साइबर सिक्योरिटी के टूल के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क रहता है उसको मिनिमाइज कर सकते हो, और आपका जो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर है और ब्रीच है उसको कम कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसमें है ओपन वास बेस्ट, और एक है सोनाटाइप जो नेसेस का है, जस्ट इसको आपको इंस्टॉल करना है सिस्टम और सर्वर में, और उसके बाद आपके जो आईटी का जितने भी एसेट है उसको स्कैन करना है, उसके बाद आपको ए नेक्सेस का है। कुछ एसेट के लिए फ्री रहता है नेक्सेस का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जितने भी टूल की हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट ओपन सोर्स है, और उसको सपोर्ट करती है कुछ कम्युनिटी टू डिप्लॉय एंड अपग्रेड दैट सॉफ्टवेयर, तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टेस्टिंग। अगर आपको कुछ टेस्टिंग करना है सिक्योरिटी अगेंस्ट वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, या आपके सिस्टम्स के अगेंस्ट, या कोई सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट, या कुछ वेबसाइट डेवलप किया है उसके अगेंस्ट, तो आप ये कर सकते हो। उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा काली लिनक्स, जो मोस्ट प्रेफर ओएस है टू टेस्टिंग एनीथिंग। उसमें बहुत सारे टूल भी इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल अटैक रिलेटेड, साइबर अटैक करना है या सिक्योरिटी टास्क को आइडेंटिफाई करना है, या कोई रिस्क को वेबसाइट को स्कैन करके रिस्क आइडेंटिफाई करना है, या कुछ आपको फॉरेंसिक रिलेटेड या कुछ रिवर्स इंजीन के रिलेटेड आपको कुछ भी टूल यूज़ चाहिए और यूज़ करना है, तो आप कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, सो इतने सारे टाइप के टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। मेटास्प्लॉइट का पैकेज भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हो, एसक्यूएल मैप यूज़ कर सकते हो, एंड एक्सप्लोर एटॉमिक रेट, इट्स डिजाइन टू हेल्प एन एक्सप्लोर नेविगेट एटॉमिक रेट टीम, एक फ्रेमवर्क देगा जो आप उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाओगे और कुछ अटैक परफॉर्म करके कि क्या वर्नेबल है, या कुछ टेस्टिंग कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। सो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्प्लॉय अवेयर नहीं रहेगा, यूज़र अवेयर नहीं रहेगा, तो रिस्क ऑलवेज ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉय ने किसी भी मलेशियस वेबसाइट का एक्सेस किया और कुछ भी डाउनलोड करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल कर रहा है, या उसको पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है अबाउट दैट मलेशियस वेबसाइट और मलेशियस कंटेंट, और फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी पे उसको कुछ फाइल भेज रहा है और उसको एक्सेस कर रहा है, और उसके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अटैक होता है, तो ये सब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग सेशन भी रख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एक वाइजर ट्रेनिंग है, एक सर्कुलर ट्रेनिंग है, और एक नेस्ट गवर्नमेंट में की है। वन टाइप ऑफ फन एक्टिविटी है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। एक वाइजर है नॉन नॉनसेंस सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग, फिशिंग सिमुलेशन, गेमिंग टाइप ऑफ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉय लवर्स, हाउ डू वी नो दैट दे टेल अस एंड यू, एंड ये गवर्नमेंट वेबसाइट में बहुत सारी यूआरएल मेंशन की हुई है जो आप फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हो, और कुछ पेड भी रहेंगे, इसमें बहुत सारा लिस्ट है, मैं इसकी यूआरएल शेयर कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। नाउ
लास्ट है हेल्प डेस्क टिकेटिंग सिस्टम, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप ट्रैक रख सकते हो कि कितने इश्यू रिपोर्ट हुए और किस वजह से रिपोर्ट हुआ है और उसका रिजोल्यूशन क्या दिया और कितने टाइम में रिजोल्व हुआ है, उसकी वजह से कोई बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हुआ है, इस सब का आप ट्रैक रख सकते हो। इन फ्यूचर आपका कुछ कंप्लायंस आपको कंपनी के फॉलो करने हैं उसमें भी आपको ये यूज़फुल होगा। उसमें आप ओएस टिकट यूज़ कर सकते हो, यूवी डेस्क यूज़ कर सकते हो और मैनेज इंजन यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको डिप्लॉय करना है आपके सर्वर और सिस्टम में और उसको यूज़ करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। और आप इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप कस्टमर को भी सर्विस दे रहे हो तो भी ये आपको बेनिफिट होगा कि आपको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एंड कस्टमर ने कितने इश्यू रिपोर्ट किए और क्या इश्यू था और किस इंजीनियर ने हैंडल किया, उसका भी आप एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। ये सब ओपन सोर्स है। नाउ कंक्लूजन, सो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे साइबर सिक्योरिटी टूल कवर कर लिए हैं जो ओपन सोर्स है और वो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क और एप्लीकेशन और सर्वर प्रोटेक्ट करने में और आपका जो रिस्क है साइबर अटैक के रिलेटेड वो आप डिक्रीज कर पाओगे। सो थैंक्स एवरीवन।